राधे राधे मित्रों, आप सभी को पंडितायन छवि शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। आपके पास महंगे से महंगा घर हो या फर्नीचर, एनर्जी का रोटेशन ना हो पाए तो सब बेकार है। वास्तुशास्त्र में रुकावट या हिंड्रेंस के क्या मायने हैं, आइए जानते हैं। मेन गेट से आती हुई हवा और रोशनी को रोकने वाली किसी भी रुकावट को द्वारवेद कहा जाता है, यानी मुख्य द्वार के ठीक सामने बिजली या टेलीफोन का खंबा, बड़ा ऊंचा पेड़, पानी की टंकी, मंदिर, कुआं, ये सभी द्वारवेद कहलाते हैं। मगर ध्यान रहे, आपके मकान या बिल्डिंग की ऊंचाई से दोगुनी या उससे अधिक दूरी पर अगर किसी तरह की कोई रुकावट है तो उसे द्वारवेद नहीं माना जाता। मुख्य द्वार के ठीक सामने टेलीफोन, बिजली का खंबा, कॉलम आदि होने से वहाँ रहने वालों के बीच वैचारिक मतभेद रहता है, उनके विचार नहीं मिलते, जो उनकी ओवरऑल ग्रोथ में रुकावट का कारण बनता है। इसी तरह दरवाजे के खुलने बंद होने में आने वाली चरमराती आवाज़ या किसी भी तरह की अनॉइंग साउंड स्वर वेद कहलाती है। शास्त्रों के अनुसार दरवाज़ा खुलने या बंद होने पर मधुर और मनभावन ध्वनि सुनाई देनी चाहिए, इसीलिए दरवाज़ों पर घंटियां और विंड चाइम्स लटकाने का प्रचलन है। हिंजेस या कब्जों में तेल या ल्यूब्रिकेंट हमेशा डालते रहें ताकि आपको इरिटेटिंग आवाज़ों से निजात पा सके। मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई तेल घानी, चक्की, धार तेज़ करने की मशीन आदि लगी हो तो वो ब्रह्म वेद कहलाती है। इसके कारण ज़िंदगी में हमेशा अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। मेन गेट के ठीक सामने अगर गाय, भैंस, कुत्ते आदि को बांधने के लिए लगाए जाने वाले खूंटे हों तो उसे कील वेद कहते हैं। ये वहाँ के रहने वालों के लिए विकास में बाधक बनते हैं। मुख्य द्वार के ठीक सामने बना हुआ कोई गोदाम, स्टोर रूम, गराज या आउटहाउस वास्तुवेद कहलाता है, जिसके कारण संपत्ति का नुकसान हो सकता है। किसी वृक्ष, पेड़, मंदिर, ध्वजा, पहाड़ी आदि की छाया, उसकी शेडो अगर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मकान पर पड़े तो उसे छाया वेद कहते हैं। मेन गेट के ठीक सामने लीकेज आदि से इकट्ठा होने वाला पानी वहाँ रहने वालों के बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है, और आप प्रैक्टिकली देखें तो वही पानी है जो आज आपके लिए ढेर सारे मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों का कारण बना हुआ है, और इसे हमारे शास्त्रों में कितने पहले दे दिया है ये आप देखें। जबकि मेन गेट के ठीक सामने कीचड़, पत्थर, ईंट आदि का ढेर रहवासियों के विकास में बाधक बनता है। मेन गेट के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन्स यानी उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और ईशान में, और मेन गेट पे कोई भी भट्टी आदि नहीं होनी चाहिए, और दक्षिण, पश्चिम, आग्नेय अथवा नैऋत्य में यानी आपके वेस्ट में, साउथ में, साउथ ईस्ट में और नैऋत्य में यानी कि साउथ वेस्ट में किसी तरह का गड्ढा या कुआं है तो ये भी हानिकारक होता है और ये मार्ग वेद कहलाता है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान परिवार के मुखिया को, जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, उसको होता है। मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई पुराना खंडहर, कोई ऐसी इमारत जिसमें कोई रह नहीं रहा है, पुरानी हो गई, टूट फूट हो गई, खंडहर बन गई, उसका होना भी एक द्वार वेद है। मकान में रहने वालों के लिए दैनिक हानि, व्यापार धंधे बंद होने का सूचक माना गया है इसे। अगर आपके लिए अपने इन द्वार वेदों को दूर कर पाना मुमकिन न हो तो तुरंत उपाय भी है। इसके लिए श्रीपर्णी यानी सेवन की लकड़ी की एक कील जैसी बनाएं और उसे बनाकर आप जो भी द्वार वेद है वहाँ पर गाड़ दें या वहाँ लगा दें। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमसे जुड़े रहें।
कुछ नई टिप्स लेकर आपकी पंडिताइन छवि शर्मा फिर उपस्थित होगी। तब तक आज के आनंद कीजिए।